हाय गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरप्ट की हैंडलिंग देखेंगे अपने सीटीसी मोड के साथ। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक स्क्वायर वेव को जनरेट करके देखेंगे सीटीसी मोड के साथ। अगर आपको नहीं पता सीटीसी मोड क्या होता है और इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो आप इससे प्रीवियस जो दो तीन वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों का टास्क यहाँ पर ये है कि हमको 0.5 हर्ट्ज की एक स्क्वायर वेव को जनरेट करना है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो पहले से ही डिफाइंड है, जैसे कि आपको अपने टाइमर को रन करने के लिए इंटरनल ऑसिलेटर को यूज़ करना है और इसकी फ्रिक्वेंसी 1 MHz है। और आपको पता है हम लोगों का जो टाइमर 2 है Atmega 8 का, उसमें हम लोगों को कुछ प्री डिफाइंड प्री स्केलर्स मिलते हैं जो कि यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर अपने कुछ कैलकुलेशंस को देखना होगा। हम लोगों को यहाँ पर 0.5 हर्ट्ज की स्क्वायर वेव को जनरेट करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप टोटल टाइम निकालते हैं तो ये हम लोगों का आएगा 2 सेकेंड्स। नाउ ये गिवन है कि आपका जो ये वेव है ये स्क्वायर टाइप है, इसका मतलब ये है कि आपका इसमें जो ऑन टाइम है और जो ऑफ टाइम है वो इक्वल रहेगा। मतलब कि आपका जो वेव होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि यह आपका कुछ टाइम पीरियड के लिए ऑन रहेगी और कुछ टाइम पीरियड के लिए ऑफ रहेगी, और यहाँ पर जो ऑन टाइम और ऑफ टाइम है वो इक्वल होगा। नाउ हम लोगों का जो टोटल टाइम होता है वो ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम होता है। टोटल टाइम आपका यहाँ पर 2 सेकेंड्स है और ऑन टाइम और ऑफ टाइम इक्वल है, या आप कह सकते हैं कि आपका ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों ही यहाँ पर 1 1 सेकेंड्स आएंगे। नाउ यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 0.5 हर्ट्ज की जो स्क्वायर वेव है क्या हम उसको नॉर्मल मोड से जनरेट नहीं कर सकते, सीटीसी मोड ही हमको क्यों यूज़ करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, नॉर्मल मोड को हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और शायद आप लोगों ने इस टेबल को इससे पहले भी देखा होगा। ठीक है, तो इस टेबल में बेसिकली हम लोग 1 सेकेंड का एक डिले जनरेट करना चाह रहे थे, मतलब कि 1000 मिलीसेकेंड्स का आप लोग यहाँ पर डिले जनरेट करना चाह रहे थे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को जो विड्थ यहाँ पर मिलती है वो एग्जैक्टली 1000 मिलीसेकेंड्स की नहीं मिल पा रही थी, या फिर वो स्लाइटली ज़्यादा थी या फिर स्लाइटली कम थी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 1024 प्री स्केलर लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो यहाँ पर विड्थ जनरेट हो रही थी वो थी 1045.5, मतलब कि यहाँ पर आपका प्लस 45.5 मिलीसेकेंड्स का एरर आपको मिलता है। सेम वे में अगर आप यहाँ पर 256 प्री स्केलर लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर -20.8 मिलीसेकेंड्स का एरर मिलता है। तो अलग अलग प्री स्केलर्स के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर जब अपनी विड्थ जनरेट करेंगे तो आप पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको 1000 मिलीसेकेंड का यहाँ पर विड्थ जनरेट होता नहीं दिखेगा। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपके नॉर्मल मोड का कि आप यहाँ पर एग्जैक्ट जो डिले है वह जनरेट नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन में आपको यहाँ पर फिर ज़रूरत होती है सीटीसी मोड की। अगर आपका कोई सिस्टम है जहाँ पर थोड़ा बहुत एरर अगर चलता है तो वहाँ पर आप बेशक नॉर्मल मोड को यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पर एग्जैक्ट टाइमिंग चाहते हैं तो उस केस में आपको सीटीसी मोड को ही प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग इस चीज़ को सीटीसी मोड के थ्रू समझेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा सीटीसी मोड के थ्रू जो हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए एक ये फार्मूला आया था। ठीक है, तो जब हम लोग इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं अलग अलग, तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकलती है और एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो आप बेसिकली यहाँ पर जो सीटीसी मोड है उसके थ्रू जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो 1.9073 हर्ट्ज की ही जनरेट कर सकते हैं और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 500 किलो हर्ट्ज की आप जनरेट कर सकते हैं। नाउ हम लोगों का टास्क यहाँ पर ये है कि हम लोगों को 0.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना है। तो ये हम लोगों की जो फ्रीक्वेंसी है आप देख सकते हैं ये हम लोगों की जो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है उससे भी लो है। तो इस चीज़ को हम लोग सीटीसी मोड के थ्रू तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर आप कोई भी फ्रीक्वेंसी जनरेट करना चाहते हैं 1.9073 हर्ट्ज के नीचे तो आप लोगों को सीटीसी मोड के साथ अपने इंटरप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप इंटरप्ट के थ्रू यहाँ पर अपनी वेव को जनरेट करेंगे तो वो OC2 पिन के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं, आपको मैन्युअली किसी दूसरे पिन के थ्रू जनरेट करवानी पड़ेंगी।
सेम ऐसे ही अगर आप लोगों को हायर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर जनरेट करनी होती है, सपोज करते हैं आपको 500 किलोहर्ट्ज से भी ज़्यादा की कोई फ्रिक्वेंसी अगर जनरेट करनी होती, उस केस में आपको बेसिकली क्या करना पड़ता, अपना जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करना पड़ता, मतलब आपके जो CPU है उसकी फ्रिक्वेंसी आपने चेंज करनी पड़ती। सो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पर 0.5 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को जनरेट करना है, तो इस चीज़ को हम लोग इंटरप्ट के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जो OCR2 रजिस्टर है इसमें कुछ वैल्यूज़ डालनी होंगी, और जब भी आपके OCR2 की वैल्यू TC and T2 से मैच होगी, वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर कंपेरिजन मैच इंटरप्ट जो है वो ट्रिगर होगा। और बेसिकली हम लोग यहाँ पर इंटरप्ट्स को काउंट करेंगे, और जब तक हम लोगों का यहाँ पर 1 सेकेंड का डिले जनरेट नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ पर अपने नंबर ऑफ इंटरप्ट्स को काउंट करते रहेंगे, और जैसे ही आपका यहाँ पर 1 सेकेंड का डिले जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद अगेन आपका जो काउंट है उसकी वैल्यू आप ज़ीरो करेंगे, और जिस पोर्ट के थ्रू आप यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं पल्स की उसको आप टॉगल करेंगे, फिर अगेन आपका यहाँ पर कंपैरिजन मैच होता रहेगा, इंटरप्ट आता रहेगा, और आप यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरप्ट्स को तब तक काउंट करेंगे जब तक आपका 1 सेकेंड नहीं हो जाता, फिर से आप टॉगलिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग 1 सेकेंड का एग्जैक्ट डिले निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है OCR2 की वैल्यू, और OCR2 की ये वैल्यू फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके अलग अलग OCR की वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। तो OCR2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो अगर आप लोग यहाँ पर प्रीस्केलर 1024 लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो इफेक्टिव फ्रिक्वेंसी आएगी ये आएगी 0.976 किलोहर्ट्ज़। ये बेसिकली कैसे आई, जब आप यहाँ पर 1 मेगाहर्ट्ज़ को डिवाइड करेंगे 1024 से तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.976 किलोहर्ट्ज़ ही आएगी। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप इफेक्टिव टाइम निकालते हैं तो यह आपको मिलेगा 1.025 मिलीसेकंड्स, और इसके हिसाब से आपका जो ओवरफ्लो टाइम आएगा वो होगा 261.375 मिलीसेकंड्स। अब ये कैसे आया, बेसिकली आप लोगों का जो टाइमर है वो 8 बिट का है तो आपकी यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो होती है 255। अब जो ये 255 है इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इफेक्टिव टाइम से तो आपका यहाँ पर ओवरफ्लो टाइम आ जाएगा। नाउ इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, देखिए जो ये 261.375 मिलीसेकंड्स की वैल्यू आई है इस वैल्यू से बिलो हम लोगों को ऐसी नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 1000 को कम्प्लीटली डिवाइड करती हो। तो 261 से बिलो अगर आप जाते हैं तो 250 यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू है जो 1000 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकती है। तो इसके बाद हम लोगों को 250 मिलीसेकंड्स के करस्पॉन्डिंग OCR में क्या वैल्यू पुट करनी होगी ये फाइंड आउट करना है। तो OCR2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर फॉर्मूला होगा नियरेस्ट टाइम डिवाइडेड बाय इफेक्टिव टाइम, मतलब कि जो आपका 250 यहाँ पर आया है इसको जब आप डिवाइड करेंगे 1.025 से तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 243.9। नाउ जो OCR2 रजिस्टर है इसमें हम लोगों की हमेशा जो वैल्यू होती है वो इंटीजर फॉर्म में ही स्टोर हो सकती है, और जो हम लोगों को यहाँ पर ये वैल्यू मिली है ये फ्लोट में है या फिर आप कह सकते हैं डेसिमल में है, तो हम लोगों को इसको राउंड ऑफ करना होगा। तो इसको अगर आप यहाँ पर राउंड ऑफ करते हैं तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 244। ओके, नाउ हम लोगों को यहाँ पर OCR2 की वैल्यू मिल चुकी है तो इससे अब हम लोग यहाँ पर कंपेरिजन मैच का जो टाइम है वो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर OCR2 में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना होगा इफेक्टिव टाइम से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो टाइम मिलेगा वो आएगा 250.1 मिलीसेकंड, मतलब कि जब भी आपका टाइमर रन होगा तो उसके 250.1 मिलीसेकंड के बाद आपका कंपेरिजन मैच होगा, और जैसे ही आपका कंपेरिजन मैच होगा तो इंटरप्ट आपका यहाँ पर ट्रिगर होगा। तो अब हम लोगों का जो कंपैरिजन मैच इंटरप्ट है वो 250.1 मिलीसेकंड के बाद आ रहा है, और हमको जो टोटल यहाँ पर चाहिए डिले वो चाहिए 1000 मिलीसेकंड का। तो इसके हिसाब से आपको अपने नंबर ऑफ इंटरप्ट्स को निकालना है कि कितने इंटरप्ट्स को काउंट करने के बाद आपकी जो वैल्यू है वो 1000 आपको मिलेगी। तो इसके लिए बेसिकली आप क्या करेंगे, ये जो 1000 है इसको डिवाइड करेंगे 250.1 से।
तो जब आप यहाँ पर डिवीज़न करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3.998। ठीक है, तो अब जो हम लोगों के नंबर ऑफ इंटरप्ट्स होते हैं वो भी हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी 4 मिलेगी। तो अब हम लोगों का जो इंटरप्ट है हर 250.1 मिलीसेकंड के बाद ट्रिगर हो रहा है, और हम लोग यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंटरप्ट्स हैं वो 4 बार काउंट कर रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो विड्थ जनरेट होगी वो कितनी आएगी, इसको आप बेसिकली क्या करेंगे, 250.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो यहाँ पर वैल्यू मिली वो मिली 1000.4 मिलीसेकंड की। तो आप कह सकते हैं आपकी जो विड्थ जनरेट होगी वो 1000.4 मिलीसेकंड की होगी, और हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी 1000 की। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर भी आप लोगों को 0.4 मिलीसेकंड्स का एरर मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि OCR की 244 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको जो यहाँ पर विड्थ मिलेगी वो एग्जैक्टली 1000 की नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये फिलहाल हम लोगों ने 250 वैल्यू यहाँ पर ली थी, तो इससे लोअर फिर से हम लोगों को कोई एक वैल्यू देखनी होगी। तो सपोज करते हैं आप यहाँ पर 200 वैल्यू लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो 200 के करस्पॉन्डिंग अगेन आपको यहाँ पर OCR2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर देखना होगा कितनी विड्थ आपकी जनरेट हो रही है। अगर आपका एरर एकदम जीरो रहता है इस केस में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं OCR की वैल्यू, अदरवाइज हम लोगों को फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके अलग अलग प्री स्केलर्स के करस्पॉन्डिंग अलग अलग अपनी OCR2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी, और जहाँ पर आपको एरर जीरो मिलेगा उस वाले कॉम्बिनेशन को ही हम लोग अपने प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग अगर यहाँ पर प्री स्केलर 256 लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इफेक्टिव टाइम आएगा यह आएगा 0.256 मिलीसेकंड्स का। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ओवरफ्लो टाइम आएगा यह आएगा 65.28 मिलीसेकंड्स। अब 65.28 से बिलो एक ऐसी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है जो कि 1000 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकती हो। तो 65.28 के नियरेस्ट 50 एक ऐसी वैल्यू है जो 1000 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है। तो इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है OCR2 की वैल्यू को, जिसके करस्पॉन्डिंग आपका 50 मिलीसेकंड्स का डिले आपको मिले। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 195.3। अब OCR2 की जो वैल्यू है वो इंटीग्रल में ही रहेगी, तो आपको अगेन इसको यहाँ पर राउंड ऑफ करना है। तो ये सारी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो उसके बाद आप पाएंगे कि लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर -1.6 मिलीसेकंड्स की एरर मिल रही है। ठीक है, तो फिर से आप यहाँ पर चाहें तो और भी वैल्यूज यहाँ पर अपनी रख सकते हैं, जैसे आप 25 वैल्यू यहाँ पर रखे देख सकते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है वंस अगेन, तो आप लोगों को बार बार अपनी अलग अलग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एरर्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, सेम ऐसे अगर आप यहाँ पर 128 प्री स्केलर लेते हैं और OCR2 की वैल्यू 195 लेते हैं तो आपको यहाँ पर अगेन -1.6 का ही एरर मिलेगा, तो हम इस कॉम्बिनेशन को भी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर प्री स्केलर 64 लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो इफेक्टिव टाइम है वो आएगा 0.064 मिलीसेकंड, और जो ओवरफ्लो टाइम आएगा ये आएगा 16.32 मिलीसेकंड। नाउ इसके बाद आप लोगों को 16.32 से बिलो ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 1000 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकती हो, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 10 मिलीसेकंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको 10 मिलीसेकंड्स के करस्पॉन्डिंग OCR2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आपका ये फॉर्मूला है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो वैल्यू आएगा वो 156.25 आएगा। अब इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 156 ही रहेगा। तो सारी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो उसके बाद आप पाएंगे कि यहाँ पर भी आप लोगों को -1.6 मिलीसेकंड्स का एरर मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 10 से बिलो कोई एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि 1000 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकती हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोगों का 8 है वो भी 1000 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ गई वो 8 मिलीसेकंड्स आ गई। ठीक है, तो अब ये जो 8 मिलीसेकंड है इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को यहाँ पर OCR2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस चीज़ को हम लोग इस फॉर्मूले से जब निकालेंगे तो आपको यहाँ पर 125 यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों को देखिए डेसिमल में मिल रही थी, बट यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुकी है। तो इसके बाद OCR2 की 125 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पर कंपेरिजन मैच टाइम निकालें तो यह आप लोगों को मिलेगा 8 मिलीसेकंड्स। ठीक है, मतलब कि हर एक जो इंटरप्ट है वह आपका हर 8 मिलीसेकंड के बाद आएगा।
तो अगर आपको यहाँ पर 1000 का डिले जनरेट करना है तो आप लोगों को यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इंटरप्ट्स को काउंट करना पड़ेगा, 125, ठीक है। तो 125 जब आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो विड्थ हमारी जनरेट होगी अब ये 1000 जनरेट होगी और आपका यहाँ पर जो एरर है वो जीरो होगा। सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पर प्री स्केलर 32 लेते हैं और OCR2 की वैल्यू 250 रखते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग भी आप लोगों को यहाँ पर जीरो एरर मिलेगी। सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पर प्री स्केलर 8 लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग भी आप लोगों को यहाँ पर जीरो एरर मिलेगी। तो हम लोगों के पास यहाँ पर तीन ऑप्शन हमको मिल चुके हैं जिसमें आपको जीरो एरर मिल रही है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें से कोई भी प्री स्केलर यूज़ कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों को यहाँ पर जो OCR2 की वैल्यू है वो यूज़ करनी है और इसमें आपका जो आउटपुट होगा वो एग्जैक्टली आपको 1 सेकेंड का या फिर 1000 मिली सेकेंड्स का ही मिलेगा। तो नेक्स्ट इस चीज़ को हम लोग अपने प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। सो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर avr/io.h नाम के हेडर फाइल को इंक्लूड करना है और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटरप्ट को यूज़ करने वाले हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको avr/interrupt.h नाम के हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना है। नाउ इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर नंबर ऑफ कंपैरिजन मैच इंटरप्ट्स को काउंट करना है तो उसके लिए हम लोगों ने एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया है और इसका जो टाइप है वो अनसाइंड इंट है और इनिशियली इसको आप लोगों ने जीरो वैल्यू दी है। इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर मेन फंक्शन है, ठीक है। नाउ मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने DDRC=0x01 लिखा है तो इससे बेसिकली क्या होगा, आपका जो पोर्ट सी का 0 बिट है या फिर आप कह सकते हैं PC0 जो पिन है ये हम लोगों ने आउटपुट डिफाइन कर दी है और इनिशियली आप लोगों ने ये जो पर्टिकुलर पिन है इसको हाई रखना है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पर जो पोर्ट सी है इसमें 0x01 वैल्यू दे दी है। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर CTC मोड को यूज़ करना है 32-bit प्री स्केलर के साथ और टॉगल मोड बेसिकली आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को यहाँ पर जो TCCR2 रजिस्टर है इसकी इन सारे बिट्स को सेट करना है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को 32 प्री स्केलर, CTC मोड और टॉगल मोड ऑन कंपेयर, इसके करस्पॉन्डिंग इन बिट्स को 1 करना होगा और बाकियों को 0 करना होगा। तो जो भी आपका यहाँ पर आएगा उस चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पर TCCR2 में डाल दिया। यहाँ पर बेसिकली मैंने बाइनरी में डाला है 0B00011011 डाला, ठीक है। तो इससे आप लोगों का ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, देखिए कंपैरिजन के टाइम में टॉगलिंग करनी है तो टॉगलिंग के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो OCF पिन है इसको भी आप लोगों ने यहाँ पर आउटपुट डिफाइन करना पड़ता है तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर DDRB=0x08 लिखा। बेसिकली ये आपका PB3 में कनेक्टेड होता है तो PB3 को आप लोगों ने यहाँ पर आउटपुट डिफाइन कर दिया है। अब इसके बाद 32 प्री स्केलर के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने OCR2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी 250 तो आप लोगों ने OCR2 में 250 वैल्यू यहाँ पर डाल दी है। नेक्स्ट इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना जो ग्लोबल इंटरप्ट है उसको इनेबल करना है तो उसके लिए आपने SEI जो फंक्शन है उसको कॉल किया और लोकल इंटरप्ट को हमको इनेबल करना है और लोकल इंटरप्ट में भी आपका जो आउटपुट कंपेयर मैच इंटरप्ट है इसको आपको इनेबल करना है तो इसके लिए हम लोगों की यहाँ पर ये बिट होती है और पूरा जो रजिस्टर है वो आपका TIMS के है तो TIMS के रजिस्टर में आपका जो OCIE2 बिट है इसको आप लोगों ने 1 कर दिया तो यहाँ पर हम लोगों ने लोकल और ग्लोबल इंटरप्ट्स को इनेबल कर दिया। अब इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर while 1 लूप है, ये एक बेसिकली इनफाइनाइट लूप होगा और इस लूप के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर होगा क्या, आप लोगों का जो CPU है वो यहीं पर रुका रहेगा। अब ये कब तक रुकेगा, जब तक कि आपका कंपेरिजन मैच नहीं हो जाता है। देखिए बैकग्राउंड में हम लोगों का जो टाइमर है वो अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता रहेगा और जैसे ही आपकी वैल्यू यहाँ पर OCR2 के वैल्यू के इक्वल हो जाएगी तो हम लोगों का यहाँ पर क्या होता है, कंपैरिजन मैच हो जाता है। और ये जो कंपैरिजन मैच होगा ये बेसिकली कब होगा, देखिए आपका जो OCR2 में वैल्यू है वो 250 है, ओके। और हम लोगों ने यहाँ पर जो इफेक्टिव टाइम निकाला था उससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 250 को तो आप लोगों को यहाँ पर जो वैल्यू है वो 8 मिलीसेकंड्स मिलेगी। तो जैसे ही आपका यहाँ पर 8 मिलीसेकंड गुजर जाएंगे वैसे ही आपको क्या होगा, यहाँ पर कंपैरिजन मैच हो जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले आपका जो यहाँ पर OCF बिट है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं PB3 जो है वो आप लोगों का टॉगल होगा, अगर वो हाई था तो लो हो जाएगा और लो था तो हाई होगा।
सेकेंडली आपका यहाँ पर जैसे ही कंपैरिजन मैच हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट भी हम लोगों का जनरेट होगा, तो इंटरप्ट जनरेट होते ही हम लोगों का जो ISR है वो रन होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का आउटपुट कंपैरिजन मैच इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग ISR है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इनिशियली जो काउंट की वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है, तो इसके बाद इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। इसके बाद हम चेक करेंगे जो काउंट की वैल्यू है वो 125 के इक्वल तो नहीं हुई है। अभी फिलहाल हम लोगों की वैल्यू वन है तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसके बाद आपका जो ISR है वो कम्प्लीटली बेसिकली एग्जीक्यूट हो चुका है, तो फिर से आप लोगों का ये जो प्रोग्राम है वो वाइल लूप के अंदर आएगा। अब अगेन आप लोगों का यहाँ पर 8 मिलीसेकंड्स के बाद जो कंपैरिजन मैच इंटरप्ट है वो ट्रिगर होगा, और अगेन आपका जो OCF वाली बिट है वो आपकी हाई से लो या फिर लो से हाई टॉगलिंग होगी, और फिर से आपका ISR एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका काउंट की वैल्यू 2 होगी। ऐसे करते करते आपके जो ये इंटरप्ट्स हैं वो जब 125 बार ट्रिगर हो जाएंगे तो आप लोगों के यहाँ पर काउंट की वैल्यू 125 हो चुकी होगी। अब जब आपके काउंट की वैल्यू 125 हो चुकी होगी तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं जो आप लोगों का टाइम पीरियड यहाँ पर निकला होगा वो निकला होगा 125 इंटू 8 मिलीसेकंड्स, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 1000 मिलीसेकंड्स, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर 1000 मिलीसेकंड हो गया तो आप लोगों ने क्या किया, अपना जो पोर्ट सी की फर्स्ट पिन है इसको टॉगल कर दिया, मतलब कि अगर वो हाई थी तो आपने लो कर दिया, लो होती तो उसको आप हाई कर देते, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन आपने काउंट की वैल्यू को यहाँ पर जीरो कर दिया। अब इसके बाद अगेन आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, इतना कंडीशन के बाद फिर से आपका यहाँ पर वाइल लूप में आएगा, फिर से आप लोगों का यहाँ पर जो काउंटिंग है वो होगी 125 तक वो काउंट करता रहेगा, फिर से जैसे ही आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका फिर से टॉगलिंग होगी एंड सो ऑन। सो ये हम लोगों का प्रोग्राम है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से अब बिल्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बिल्ट आपका ये सक्सेसफुली हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है अपने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में, तो आप लोगों को यहाँ पर अपनी हेक्स फाइल जो है उसको यहाँ पर फीड करना है, ठीक है, और इसके बाद हम लोग अपने इस सिमुलेशन को रन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइमिंग मैं इसकी डिक्रीज करता हूँ और इसको वन शॉट अगर हम करते हैं, और थोड़ा सा इसको हम जूम इन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मेज़र कर सकते हैं अपने आउटपुट को, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली 1 सेकेंड का मिल रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ पर जो है हर कंपैरिजन मैच के साथ टॉगलिंग होगी OCF के थ्रू, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम अगर जूम इन करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कंपैरिजन मैच हो रहा है वो हर 8 मिलीसेकंड्स के बाद हो रहा था, तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक है। तो हर आपका 8 मिलीसेकंड्स के बाद हम लोगों का कंपैरिजन मैच होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो PB3 है या फिर OCF पिन है उसके थ्रू आपको टॉगलिंग मिलेगी, और जब आप लोगों का ये कंपैरिजन मैच 125 टाइम्स हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर टॉगलिंग की है अपने PC0 वाले पिन की, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर 1 सेकेंड का डिले या फिर विड्थ आपको मिल रही है। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PWM मोड को देखेंगे। सो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग ज़रूर से शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।